सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। सो क्लास 8 दा असी अज चैप्टर सैकेंड शुरू करन जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सब तो पहले देखते हैं मतलब की होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर असी एक्सरसाइज शुरू करांगे 2.1। सो लीनियर मतलब जिस इक्वेशन की पावर वन हो, पावर वन होनियर इक्वेशन कहांगे। इक्वेशंस कोई भी उसनों अलजैबरिक फॉर्म से लिखा है। वन वेरिएबल्स की वेरिएबल एक वेरिएबल हो, जिस तरह हम असं लिखते हैं 5x लिखता सी, जिदा 5x की पावर वन है और कला एक्स वेरिएबल कला वन है, ये वन वेरिएबल है। जिस तरह इस तो बाद असं लिखते हैं 2x-3, पावर इस इक्वेशन की पावर कितनी है, वन है और वेरिएबल कला एक्स इक्को ही है। जिस तरह असं लिखते हैं 3x+y, बट हुण इहदे च एक एक्स वेरिएबल आ गया, वन वेरिएबल एंड टू। सो ये किन्ने वेरिएबल आ गए, टू वेरिएबल्स आ गए। सो ये टू वेरिएबल हो गया। जो सिर्फ इक्को ही कॉम्पोनेंट बार बार, इक्को ही वेरिएबल्स बार बार आए, जिदा 5x-6x+3, इन्हें सॉल्व करेंगे ±3। सो ये एक वेरिएबल बचता है और पावर कितनी बचती, रेस टू पावर कितनी होनी चाहिए, वन। सो उसमें उसकी कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो असं हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 द फर्स्ट सम x-2=7। याद रखना रूल यदा असं ये लिखा कि जो प्लस वाले आ लैफ्ट हैंड साइड तो प्लस वाले राइट उधर जाके लैफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस दे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाले मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे असं। सो माइनस राइट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड तो माइनस और राइट हैंड साइड से आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -7, माइनस का प्लस हो गया, x=2 कितना आ गया 9। सो इसी तरह वाई इस तरह लैफ्ट हैंड साइड तो वो प्लस का है तो राइट हैंड साइड से आगे वो चेंज हो जाएगा, जेकर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। सो 10-3y=7। सो इसी तरह नेक्स्ट 6z है, प्लस द 2 लैफ्ट हैंड साइड से आगे माइनस, 6-2=4। सो जेड की वैल्यू असं इन लिख देंगे z=4। इसी तरह एक्स 17-7-3/7, 7 एलसीएम, 17 × 3 गया 14, 7 × 2 गया 14। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसी तरह फिफ्थ सम के विच लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा और राइट हैंड साइड से आपको डिवाइड हो जाएगा, 6 × 2 = 12, एक्स की वैल्यू 2। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो रहा, राइट हैंड साइड से आके मल्टीप्लाई हो, टी की वैल्यू 50। इस तरह नैक्सट 7 मल्टीप्लाई भी हो रहा, डिवाइड हो रहा, सब तो पहले असी डिवाइड वाले मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड करा, 2 × 9 तो 9 × 3 = 27। सो एक्स का आंसर 27। नैक्सट 8